हेलो एंड वेलकम टू ध्याईएस। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रिलिम सीरीज़ के थर्ड पार्ट में। इसमें हम बात करेंगे मेनली कुछ उन स्पीशीज़ की जो कि पिछले साल किसी न किसी वजह से खबरों में रही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइगर की। टाइगर कंजर्वेशन के लिए रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर में इंटरनेशनल स्टॉक टेकिंग कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करवाया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा। ग्लोबल टाइगर फोरम ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था उसका एक नतीजा है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव एक गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज़, कंजर्वेशन और साइंटिफिक कम्युनिटीज़, प्राइवेट सेक्टर्स और वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज जैसी संस्थाओं के द्वारा मिल करके शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की सेकेंड मीटिंग में सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन किया गया था 2010 में। सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन में डिसाइड किया गया था कि 2022 तक टाइगर्स की संख्या को डबल किया जाएगा। इसी के तहत ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और CATS दैट मींस कैट्स कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स को लॉन्च किया गया था। ये एक टूल है जिससे कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए जितने भी लोग हैं, जितने भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एंगेज्ड हैं, वो अपने मैनेजमेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइगर सेंसस 1972 में हुआ था, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से 2006 से हर चार साल की साइकिल में टाइगर सेंसस ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो 2006 में पहला हुआ, 2010, 2014 और 2018 में। 2018 के टाइगर सेंसस की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास में नहीं है। 2014 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में टाइगर्स की संख्या 2226 थी। इस बार के टाइगर सेंसस की खासियत ये है कि इसमें पहली बार नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जिसमें कि नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं। तो 18 टाइगर स्टेट्स जिनको रेगुलर बेसिस पे कवर किया जाता है, उनके अलावा नागालैंड, मणिपुर और गुजरात को भी इस बार के टाइगर सेंसस में कवर किया जाएगा, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टाइगर्स की संख्या में काफ़ी इजाफा हो सकता है। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों देशों की भी हम मदद लेंगे इस बार के टाइगर सेंसस में। साथ ही में एक और चीज़ याद रखने लायक है, एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम था जो कि 2010 में लॉन्च किया गया था और इसके लिए सरकार ने इस बार के टाइगर सेंसस के लिए एक ऐप भी डिज़ाइन किया, जैसे कि हर एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में टाइगर के मॉनिटरिंग सिस्टम को और अच्छा किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ओर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन एक शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के साइज का एक बड़ा पक्षी है, जो कि किसी समय पर भारत के राष्ट्र पक्षी के रूप में चयनित होने के लिए चुना गया था, लेकिन अंत में हमने पीकॉक को चुना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वर्तमान में शेड्यूल 1 के अंदर में प्रोटेक्शन मिल रखी है। उसी के साथ साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में इसको शामिल किया गया है। CMS कन्वेंशन जो कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है, उसके तहत भी इसे प्रोटेक्शन मिली है और IUCN की रेड लिस्ट में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, भारत में केवल 6 जगह पाया जाता है, जिसमें मैक्सिमम जनसंख्या उनकी है राजस्थान में तकरीबन 100 के आसपास, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। केवल इन 6 राज्यों के अंदर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जनसंख्या भारत में पाई जाती है। पिछले वर्ष इसके खबरों में रहने की वजह यह है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट के द्वारा इस बात को हाईलाइट किया गया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है। 2011 के अंदर में जो सेंसस हुआ था उसमें लगभग 250 के आसपास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थे, वहीं पर 2018 के अंदर में इनकी संख्या 150 के करीब पहुँच गई है और ये निरंतर रूप से घट रही है। हमें ये भी याद रखना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के कौन कौन से प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स चालू किए गए हैं। उसमें प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान की सरकार के द्वारा चालू किया गया, उसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैंपेन, इस कैंपेन को चालू किया है सेंचुरी नेचर फाउंडेशन, कॉर्बेट फाउंडेशन और कंजर्वेशन इंडिया ने मिल करके। इसके अलावा 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि डेडिकेटेड हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रोटेक्शन के लिए। तो गोडावन की प्रोटेक्शन के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में है
और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, इन तीनों का नाम हमें याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं गोल्डन लंगूर की ओर। गोल्डन लंगूर पिछले वर्ष चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो कि आसाम के द्वारा 2011 में स्टार्ट किया गया था, आसाम जू के द्वारा, उसमें उन्हें सक्सेस मिली है। उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम में सक्सेस की वजह से ये चर्चा में रहा। गोल्डन लंगूर को IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। गोल्डन लंगूर मुख्यतः आसाम के अंदर में वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, उसके अलावा ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान में पाए जाते हैं और उनकी जनसंख्या का एक बहुत छोटा पार्ट त्रिपुरा में भी पाया जाता है। तो त्रिपुरा, वेस्टर्न आसाम और ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान में मुख्यतः गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन पाई जाती है। उसके बाद में हम आते हैं सारस क्रेन की ओर। सारस जो क्रेन है ये IUCN के तहत वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर में है, शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में है, शेड्यूल 1 में नहीं है, शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में ये शामिल है। इसका मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, नेपाल, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में है। ये खासियत इसके साथ में ये है कि ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड है। इसका विंग स्पैन लगभग 200 से 280 सेंटीमीटर का हो जाता है। पिछले वर्ष इनको भी लेकर के कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट के द्वारा फोकस देने की बात की गई है। हम आगे बढ़ते हैं नीलगिरी ताहर की ओर। नीलगिरी ताहर फाउंडेशन जो कि केरल के अंदर में है, उसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग, मॉनिटरिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द हाईली एंडेंजर्ड ताहर, दैट इज माउंटेन गोट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। नीलगिरी ताहर की मैक्सिमम पॉपुलेशन एराविकुलम नेशनल पार्क जो कि मुन्नार के अंदर में लोकेटेड है वहाँ पाई जाती है। याद रखना है, एराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी ताहर की मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है, लेकिन वहीं पे स्टेट एनिमल ये तमिलनाडु का है। मैक्सिमम पॉपुलेशन केरल में पाई जाती है लेकिन स्टेट एनिमल ये तमिलनाडु का है। इसे IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और शेड्यूल 1 के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इसे प्रोटेक्शन मिलती है। इसकी खासियत है कि ये नीलगिरी हिल्स और सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट की एक एंडेमिक स्पीशीज़ है जो कि केवल यहीं पर पाई जाती है। दुनिया में इसके अलावा कहीं और नीलगिरी ताहर नहीं पाया जाता है। नीलगिरी ताहर दिखने में लगभग इस तरीके का माउंटेन गोट है जिसके ऊपर पे इस तरीके से कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं। हमें याद रखना है कि अभी लगभग 300 के आसपास नीलगिरी ताहर की पॉपुलेशन पाई जाती है एराविकुलम नेशनल पार्क में और अनमलाई हिल्स में। आगे बढ़ते हैं पेंगुलिन्स की ओर। पेंगुलिन दुनिया की सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेडेड मैमल में से एक है। इसे कई जगह पे स्टेटस दिया गया है दुनिया का सबसे ज़्यादा अवैध रूप से तस्करी करा जाने वाला मैमल। दुनिया भर में इसकी 8 स्पीशीज पाई जाती हैं जिनमें से 2 भारत में पाई जाती हैं। इनकी मेनली स्केल्स की तस्करी होती है, उसके अलावा इसका फ्लैश को भी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और मुख्यतः चाइना के अंदर में इसकी तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह आप इमेज में देख सकते हैं, इनकी स्केल्स को डी स्केल करने के बाद लाखों के अमाउंट में बेचा जाता है और वहीं पे जो मरे हुए पेंगुलिन्स हैं उनकी तस्करी फ्लैश के लिए और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी की जाती है। दुनिया भर में जो 8 स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनमें से 2 भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से एक है चाइनीज़ पेंगुलिन जो कि मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में, और इंडियन पेंगुलिन जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। चाइनीज़ पेंगुलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वहीं पर इंडियन पेंगुलिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये हमें याद रखना है, चाइनीज़ पेंगुलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड और इंडियन पेंगुलिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में। इसे शेड्यूल 1 के तहत भी प्रोटेक्शन मिल रखी है और साइट्स के अंदर में भी प्रोटेक्शन मिल रखी है। इनकी तस्करी के लिए मुख्यतः 2 रूट फॉलो किए जाते हैं, जिसमें मोरे इन मणिपुर और चंपाई इन मिजोरम। इनके माध्यम से चाइना में स्मगलिंग के लिए इनको भेजा जाता है। रिसेंटली उड़ीसा की सरकार ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के लिए भी MHA से गुजारिश की है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिस कंट्री के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन करता है उस कंट्री को वो अप्रोच कर सकता है कोई भी कानून को लागू करने के लिए,
किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को और लीगल असिस्टेंस को जो कि हमें दूसरे देश से मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं इंडस डॉल्फिन्स की ओर। रिसेंटली इस एंडेंजर्ड स्पीशीज को लेकर के पंजाब गवर्नमेंट ने WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया से मिल करके पहली बार ऑर्गेनाइज्ड सेंसस करवाया है इंडस डॉल्फिन्स। इंडस डॉल्फिन मेनली इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाती है और उसमें इंडिया में ब्यास रिवर में इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है। गंगा डॉल्फिन की तरह ही इंडस डॉल्फिन भी ब्लाइंड होती हैं और एकोलोकेशन का ये यूज़ करती हैं। जिस तरीके से बैट्स एकोलोकेशन का यूज़ करते हैं नेविगेशन, हंटिंग और कम्युनिकेशन के लिए, उसी तरीके से इंडस डॉल्फिन्स और गंगा डॉल्फिन भी एकोलोकेशन का यूज़ करती हैं। इनको IUCN के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और रिसेंटली इनकी पॉपुलेशन के ऊपर पे ध्यान आया है क्योंकि 1944 से अब तक इनकी पॉपुलेशन लगभग 50% घट चुकी है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं इंडस डॉल्फिन्स, इनकी आईज फुल्ली डेवलप्ड नहीं है तो इस वजह से ये एकोलोकेशन का ये यूज करती हैं। आगे हम आते हैं ब्राउन पीच एफिड्स के ऊपर। ब्राउन पीच एफिड एक तरीके का कीट है जो कि फ्रूट ट्रीज के ऊपर पे अटैक करता है। रिसेंटली कश्मीर के अंदर में, जो कि फ्रूट बोल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इसका अटैक पाया गया है। पहली बार भारत के अंदर में 1970 के अंदर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसके अटैक को पाया गया था। ये एक प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड है क्योंकि इस तरीके से अटैक मेनली वहाँ के पीच और आलमंड ट्रीज को टारगेट करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौंडीचेरी शार्क की। पौंडीचेरी शार्क भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो कि मेनली गोदावरी रिवर के रीजन में पाई जाती है। रिसेंटली इसे काफ़ी समय बाद में गोदावरी रिवर के अंदर में पाया गया है, इसको ट्रेस किया गया और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज अपने एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है। कई बार मछुआरे बिना जाने इस मछली का शिकार करते हैं और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से भी ये समस्या बढ़ रही है। लोकल टर्म्स में इसे पालासोरा के नाम से जाना जाता है और इस स्पीशीज़ को 25 मोस्ट वांटेड लॉस्ट स्पीशीज़ के अंदर में फोकस में रखा गया है अंडर ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के द्वारा, जो सर्च फॉर लॉस्ट स्पीशीज़ इनिशिएटिव चलाया गया है उसमें IUCN के अंदर में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्नो लेपर्ड की ओर। स्नो लेपर्ड को पिछले साल लिप्पा असरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर देखा गया। ये एक बहुत ही रेयर साइट है और इसे हाल ही में एंडेंजर्ड कैटेगरी से इम्प्रूव कर वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम जो कि 2013 के अंदर में शुरू किया गया, उसमें 12 स्नो लेपर्ड रेंज वाली कंट्रीज़ हैं जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इसी को लेकर के बिश्केक डिक्लेरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। बिश्केक डिक्लेरेशन मेनली स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो जो दूसरी स्नो लेपर्ड फोरम की कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान में, वहाँ पर बिश्केक डिक्लेरेशन को अनाउंस किया गया था। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये भी एक जॉइंट इनिशिएटिव है इन्हीं स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज की गवर्नमेंट के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत में ये वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है। वेस्टर्न हिमालयाज में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड और ईस्टर्न हिमालयाज में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इनकी मुख्यतः जनसंख्या पाई जाती है। हमें याद रखना है स्नो लेपर्ड पहले एंडेंजर्ड कैटेगरी में थे, रिसेंटली उन्हें वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल कर दिया है। मूविंग ऑन, हम बात करते हैं बॉनेट हेड शार्क की। बॉनेट हेड शार्क की खासियत यह है कि ये एक ओमनिवोरस शार्क है। ओमनिवोरस शार्क होने के नाते अपना 60% खाना ये सी ग्रास से लेती है और मेनली ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। तो इस बिहेवियर को लास्ट ईयर फाउंड किया गया कि इसके अंदर ओमनिवोरस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस वजह से ये चर्चा में रही। मूविंग ऑन, हम बात करते हैं भूपति शील्ड टेल स्नेक की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मात्र एक 40 सेंटीमीटर लॉन्ग स्नेक है जो कि रिसेंटली पाया गया है वेस्टर्न घाट्स में। इसे अभी तक केवल
अनाईकटी हिल्स ऑफ तमिलनाडु के अंदर में देखा गया है, और ये इंडिया और श्रीलंका में ही केवल पाया जाता है। इसका शील टेल नाम इसलिए पड़ा बिकॉज इसकी जो फ्लैट टिप है टेल की, उसकी वजह से, जिसकी वजह से ऐसा अपीयर होता है कि इसकी टेल को कट कर दिया गया है। ये एक नॉन वेनमस बरोइंग और मोस्टली अर्थ वॉर्म ईटिंग स्नेक है, ये जहरीला सांप नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अल्डाब्रा जाइंट टॉर्टोइस की। अल्डाब्रा जाइंट टॉर्टोइस अल्डाब्रा अटॉल में पाए जाते हैं जो कि सेशल्स में लोकेटेड है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर के सेशल्स विजिट पे एज अ गुडविल जेस्चर्स सेशल्स की गवर्नमेंट के द्वारा ये दो अल्डाब्रा टॉर्टोइस गिफ्ट में दिए गए हैं। इन टॉर्टोइस को हैदराबाद के जू में रखा जाएगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइज हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है और ये IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम एशियाटिक लायन की ओर। एशियाटिक लायन, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के अंदर में मुख्यतः पाए जाने वाले लायन की कैटेगरी है। इसके अलावा जो दूसरे हैं वो है अफ्रीकन लायन। एशियाटिक और अफ्रीकन लायन में जो मेन डिफरेंस है वो उनकी मेन को लेकर के है, जो उनके बाल हैं एशियाटिक लायन के कम होते हैं और अफ्रीकन लायन की जो मेन होती है वो काफ़ी घनी होती है और काफ़ी बड़ी होती है। साथ ही में एशियाटिक लायन की साइज़ अफ्रीकन लायंस की बजाय कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है। पिछले वर्ष ये न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि सितंबर के महीने में 23 लायंस की डेथ हो गई गुजरात के गिर सेंचुरी में। इन्हें अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनको प्रोटेक्शन मिली है और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के तहत भी इन्हें प्रोटेक्शन मिली है। गुजरात में K9 डिस्टेम्पर वायरस CDV के फैलने की वजह से लगभग 23 एशियाटिक लायंस की मौत हुई 20 दिनों के अंदर में, सितंबर 2018 के अंदर। K9 डिस्टेम्पर वायरस एक वायरल डिजीज़ है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसका अभी तक कोई नोन क्योर हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये चिंताजनक विषय रहा। इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का पार्ट होगी। तो हमें याद रखना है एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लास्ट ईयर शुरू किया गया क्योंकि CDV K9 डिस्टेम्पर वायरस की वजह से गिर में एशियाटिक लायंस की मृत्यु हो रही थी। भारत में मुख्यतः ये केवल गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में 5 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनके लिए, गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पनिया सेंचुरी, मिथियाला सेंचुरी और गिरनार सेंचुरी। इन 5 जगहों पर एशियाटिक लायन की जनसंख्या इंडिया में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं आइवरी की ओर। आइवरी यानी हाथी दांत, इसको लेकर के लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइवरी यानी कि एलिफेंट टस्क इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यह इंटरप्रिटेशन दिया कि एलिफेंट टस्क यानी आइवरी यानी हाथी दांत फॉरेस्ट प्रोड्यूस ना होकर के सरकार की प्रॉपर्टी है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर में केवल टिम्बर, चारकोल, वुड ऑयल, गम, रेजिन, नेचुरल वार्निश, फ्लावर्स और फ्रूट्स जैसी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी एनिमल टस्क के बारे में नहीं मेंशन किया गया है। इसी वजह से एलिफेंट टस्क को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के रूप में माना गया है, और अगर कोई व्यक्ति एलिफेंट टस्क की तस्करी करता है तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का इल्लीगल यूज़ या इल्लीगल स्मगलिंग कर रहा है, उसके अनुरूप उसे सज़ा मिलेगी। एलिफेंट्स पे बात करते हैं तो एलिफेंट्स को लेकर के नागालैंड गवर्नमेंट भी चर्चा में रही क्योंकि नागालैंड के द्वारा सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 30वां एलिफेंट रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। 30th एलिफेंट रिजर्व सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नागालैंड। सिंगफान एलिफेंट रिजर्व मेनली अभयपुर रिजर्व फॉरेस्ट का एक एक्सटेंशन है। अभयपुर रिजर्व फॉरेस्ट जो कि आसाम में है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है सिंगफान एलिफेंट रिजर्व। भारत सरकार ने एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई और कदम उठाए, जिनमें से उसे नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में डिक्लेयर करना एक है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में उनको प्रोटेक्शन मिली है। उन्हें IUCN के तहत एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और साइट्स के अंदर में भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है।
इसके अलावा भारत सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था 1992 में, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और माइक दैट मीन्स मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, इस प्रोग्राम को भी 2003 में लॉन्च किया गया COP और साइट्स के द्वारा मिलकर के। एशियन एलिफेंट अलायंस, इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है 2015 में, और एशियन एलिफेंट अलायंस ने भारत में एलिफेंट कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कदम उठाया है, रिसेंटली ये भी चर्चा में रहे। उसके अलावा 2017 में गज यात्रा, जो कि एक नेशन वाइड कैंपेन रहा टू प्रोटेक्ट एलिफेंट, ये वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन 2017 में लॉन्च किया गया था। एलिफेंट से आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्रोकोडाइल्स की। क्रोकोडाइल के मेनली तीन स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। मगर के ऊपर पे अगर हम बात करें तो मगर क्रोकोडाइल, जिसे कि हम इंडियन क्रोकोडाइल या मार्श क्रोकोडाइल के नाम से भी जानते हैं, वो वल्नरेबल कैटेगरी में है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले स्पीशीज को हम बोलते हैं मगर। मगर के कंपैरिजन में अगर हम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को देखते हैं तो इसका जो स्नाउट होता है, मतलब कि इसका आगे का जो मुंह है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा चौड़ा होता है, ब्रॉड है, और साथ ही में इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ज़्यादा लंबे होते हैं और दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स में से एक होते हैं, और राइपेरियन रेप्टाइल्स के अंदर में ये लार्जेस्ट है। राइपेरियन रेप्टाइल्स मतलब जो अपना मुख्यतः समय जमीन और पानी दोनों के जंक्शन पर गुजारते हैं। इन्हें लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है IUCN के अंडर में, और ये मेनली ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाने वाले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। अगर हम बात करते हैं घड़ियाल की, तो घड़ियाल जो कि फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है IUCN के द्वारा। सबसे ज़्यादा हमने जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं वो घड़ियाल के प्रोटेक्शन के लिए हैं। घड़ियाल के प्रोटेक्शन के लिए अभी नेशनल चंबल सेंचुरी, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन रिवर सेंचुरी और सतकोशिया गॉर्ज सेंचुरी उड़ीसा में जो लोकेटेड है, वहाँ पर हमने इनके लिए प्रोटेक्शन एरियाज डिक्लेयर किए हैं। उड़ीसा की खासियत ये है कि वहाँ पर तीनों तरीके के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर, मगर और घड़ियाल। इसी खासियत की वजह से क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की भी शुरुआत, जो कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जिनमें से मुख्य है, उसकी शुरुआत उड़ीसा से की गई थी। तो घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, इसको पहली बार उड़ीसा के अंदर में 1975 में लॉन्च किया गया, और 1976 से ये प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के नाम से ऑल ओवर इंडिया के अंदर लागू कर दिया गया। इसके तहत UNDP और FAO, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के द्वारा फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी भारतीय सरकार को मिलता है। इसके अलावा बौला प्रोजेक्ट एट दंगामल, जो कि उड़ीसा के अंदर में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए एक टर्म है बौला, वहाँ पर यह शुरू किया गया है, जो कि भीतरकनिका सेंचुरी के अंदर में है। उसके अलावा मगर प्रोजेक्ट एट राम तीर्थ जो कि मयूरभंज में लोकेटेड है उड़ीसा के अंदर में, वहाँ पर घड़ियाल प्रोजेक्ट एट तीकरपाड़ा उड़ीसा में, और कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट एट नंदनकानन उड़ीसा में, इन चारों को भी लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वोरम्बे टाइटन की, एलिफेंट बर्ड। इसे हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी डिक्लेयर किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, वोरम्बे टाइटन एक एक्सटिंक्ट मेडागास्कर में पाया जाने वाला बर्ड था, जिसकी हाइट लगभग 3 मीटर के आसपास थी और जिसका वेट तकरीबन 800 केजी के आसपास हुआ करता था। तो साइंटिस्ट ने सैकड़ों के अमाउंट में वोरम्बे टाइटन की हड्डियों का परीक्षण करके इस चीज़ पर निर्णय लिया है कि वोरम्बे टाइटन यानी कि एलिफेंट बर्ड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पक्षी माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं एमूर फाल्कन की ओर। एमूर फाल्कन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक फाल्कन है, चील के जैसा पक्षी है, जो कि इंडिया, अफ्रीका और नॉर्थ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसे IUCN के अंदर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। ये हर साल इंडिया में माइग्रेट करके आते हैं अफ्रीका से, तो इनका माइग्रेशन होता है मंगोलिया से साउथ अफ्रीका की ओर, और उसके बीच में ये इंडिया में रुकते हैं दोयांग लेक पर, और
पंक्ति विलेज इन नागालैंड इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स आमूर फैलकॉन कैपिटल. पंक्ति विलेज इन नागालैंड. आगे बढ़ते हैं चीता की ओर. चीता को लेकर के एक री इंट्रोडक्शन प्लान 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोजेक्ट चीता के तहत. हाल ही के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड एक कमेटी जिसके अध्यक्ष थे ADN राव, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर में रिक्वायर्ड हैबिटेट और प्रे डेंसिटी नहीं है कि हम चीता को यहाँ पर इंट्रोड्यूस फिर से कर सकते, क्योंकि चीता को दुनिया में सबसे तेज़ भागने वाला मैमल माना जाता है. इसीलिए उसे हैबिटेशन के लिए, रहने के लिए एक ऐसे जंगल की ज़रूरत है जहाँ पर वृक्ष घनत्व यानी ट्री डेंसिटी काफ़ी कम हो ताकि वो आराम से उसमें विचरण कर सके. इसी को ध्यान में रखते हुए 2009 में एक कमेटी अपॉइंट की गई थी. उन्होंने भारत के अंदर में चार जगहों को रिकमेंड किया. कुनो पालपुर और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, वेलावदार नेशनल पार्क इन गुजरात और शाहगढ़ बल्ज जो कि ताल चापर सेंचुरी का एक पार्ट है इन राजस्थान. नौरादेही को रिसेंटली मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा रिकमेंड किया गया था पिछले साल, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी अपॉइंट की उसने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया अभी के लिए, इस बेसिस पे कि वहाँ पर इनफ प्रे डेंसिटी नहीं है. तो इस वजह से चीता की पॉपुलेशन को नुकसान हो सकता है अगर हम वहाँ पर इनफ प्रे डेंसिटी को नहीं प्रोवाइड कर पाए. प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वो है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. उसी के साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि अफ्रीकन चीता को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, वहीं पे एशियाटिक चीटा को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है. भारत में पाया जाने वाला चीता एशियाटिक चीता था जो कि 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया. भारत में लास्ट चीता छत्तीसगढ़ में 1947 में देखा गया था. चलिए आगे हम बात करते हैं एशियन राइनोज की. रिसेंटली न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज को साइन किया गया. ये सेकेंड एशियन राइनो रेंज कंट्रीज की मीटिंग का एक नतीजा था. एशियन राइनो रेंज कंट्रीज की इस मीटिंग को IUCN का एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप, WWF इंडिया और आरण्यक एक NGO है जो कि गुवाहाटी में बेस्ड है, इन सब ने मिल करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के तहत इंडिया कोलैबोरेट करेगा भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ में. तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि राइनो रेंज कंट्रीज कौन कौन सी हैं. भूटान, इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया. और यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 स्पीशीज ऑफ एशियन राइनोस पाए जाते हैं जो कि है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो कि मेनली इंडिया में पाया जाता है, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो. डिक्लेरेशन के अंदर में ये तय हुआ कि हर 4 साल के अंदर में इनकी पॉपुलेशन, इनके कंजर्वेशन स्टेटस का रिव्यू किया जाएगा. जिसे आप डायग्राम में देख रहे हैं वो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है जो कि मेनली इंडिया में पाया जाता है. इसी के साथ हमें याद रखना है कि जावन और सुमात्रन राइनो को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, वहीं पर ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में पाया जाता है उसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है. इंडिया ने राइनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 भी लॉन्च किया था, जिसके अंदर में मुख्यतः आसाम की गवर्नमेंट ने बोडो ऑटोनोमस काउंसिल के साथ में मिल करके और WWF इंडिया के सपोर्ट के साथ इसे शुरू किया था. साथ ही में आसाम की सरकार ने स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर में काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास में रहने वाले लोग उसके हिस्सेदार बनेंगे और वो राइनो के प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे. लास्टली हम आते हैं ऑटर पर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उदबिलाव. ऑटर्स जो हैं ये IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं. रिसेंटली चर्चा में रहने की वजह ये रही कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहली बार ऑटर सेंसस कंडक्ट किया है, ऑटर्स की जनगणना का कंडक्ट किया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर में. ऑटर को लेकर के हमें ये बात याद रखनी है कि ये मैमल्स होते हैं और ये मेनली मछलियों का सेवन करते हैं और इस साल इनके सेंसस कंडक्ट कराने की वजह से ये खबरों में रहे. प्रीलिम सीरीज के एनवायरनमेंट के 3rd पार्ट में इतना ही. अगले पार्ट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो सरकार और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे.
धन्यवाद।